हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। चंबा में 2 महिलाएं व 1 व्यक्ति निकला कोरोना संक्रमित। जिले में शनिवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। इसमें चौराहा क्षेत्र की 62 वर्षीय महिला, जडेरा क्षेत्र के 47 वर्षीय महिला व साहू क्षेत्र का 30 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही 15 अप्रैल को आरटीपीसीआर लैब में 4 सैंपल जांचे गए। इसमें सभी सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। वही 16 अप्रैल को भी जांचे गए, सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ टर्नेट के माध्यम से 11 सैंपल्स की जांच की गई। इसमें 6 नेगेटिव और 3 सैंपल्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा 2 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वही शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के माध्यम से 133 सैंपल्स की जांच की गई। सवर्ण समाज ने स्वास्थ्य मंत्री को दिखाए काले झंडे, गो बैक के लगाए नारे। सवर्ण समाज के लोगों ने शिमला रैली के दौरान तंग करने और रूमित ठाकुर व मदन ठाकुर को बेवजह गिरफ्तार करने के विरोध में राजगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर संजीव सहजल को काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। स्वास्थ्य मंत्री जिला स्तरीय श्री शिलगुल देवता बैसाखी मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राजगढ़ पहुंचे। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप इस मौके पर नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ भी गो बैक के नारे लगाए गए। इसके अलावा सवर्ण समाज के लोगों ने विधायक रीना कश्यप के खिलाफ भी नारे लगाए। 3 दिन में 400 रुपए बढ़े सरिये के दाम, सीमेंट भी हो सकता है महंगा। हिमाचल प्रदेश में सरिये के दामों में पिछले 3 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। 3 दिनों के भीतर ही सरिये के दाम में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। 3 दिन पहले ही सरिये के दामों में कमी आई थी। सरिये के दाम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल से कम होकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल हुए थे। बुधवार से शुक्रवार तक प्रति क्विंटल 400 रुपए दाम बढ़े। सरिया डीलर्स का कहना है कि अब दाम 7,900 रुपए प्रति क्विंटल हो चुके हैं। इसके अलावा सीमेंट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस में बन बैठे हैं कुछ महापंडित, सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। बिजली, पानी और महिलाओं को बस किराए में छूट देने पर आम आदमी पार्टी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने कोई MOU थोड़े ही साइन किया है कि वो घोषणाएं करेगी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो चुका हो वो हमारा मार्गदर्शन ना करे। दरअसल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद आपने इसे दिल्ली मॉडल की नकल बताया था। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी, कल गर्म हवाएं चलने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में रविवार सोमवार को मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के कई क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई। 19 और 20 अप्रैल को कई क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में आम आदमी पार्टी की यूनिट खत्म। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की यूनिट खत्म हो गई। आपकी हिमाचल में सक्रियता और बड़े स्तर पर दौरों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। वो ऊना में शनिवार को मीडिया कर्मियों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम की ओर से की गई घोषणाओं को कांग्रेस द्वारा चुनावी स्टंट बताने के प्रश्न पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व में की गई घोषणाओं का भी जनता ने स्वागत किया था और अब भी जनता इन घोषणाओं का स्वागत कर रही है। प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए डीसी देंगे राशि। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि नहीं मिलेगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को ही आवास बनाने को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत को उपायुक्त आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राशि अदा करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा बोले, चुनावी घोषणाएं कर जनता को किया गुमराह। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी से घबरा गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में आम आदमी पार्टी का मॉडल अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिमाचल दिवस पर सीएम ने 125 यूनिट फ्री बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पानी और महिलाओं के लिए 50% बस किराए में छूट चुनावी घोषणा की है। हिमाचल में महंगा हुआ हेली टैक्सी का सफर। चंडीगढ़ से धर्मशाला 336 रुपए, चंडीगढ़ से कुल्लू का 320 रुपए तक बढ़ा किराया। हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी का सफर महंगा हो गया। नए वित्तीय वर्ष शुरू होते ही चंडीगढ़ से धर्मशाला के बीच 336 रुपए और चंडीगढ़ से कुल्लू के बीच का प्रति सवारी किराया 320 रुपए तक बढ़ गया। शिमला चंडीगढ़, मंडी धर्मशाला और शिमला मंडी के बीच का हवाई सफर 112 रुपए तक महंगा हुआ।
जिला कांगड़ा में 23 अप्रैल को इन तीन में से एक स्थान पर जनसभा करेंगे केजरीवाल। 22 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की जनसभा के बाद 23 को अरविंद केजरीवाल की जिला कांगड़ा में रैली व जनसभा प्रस्तावित है। पर जिला कांगड़ा में कहां पर 23 अप्रैल को केजरीवाल की रैली व जनसभा का आयोजन किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई स्थान तय नहीं हो पाया। हालांकि वीरवार को जोरावर स्टेडियम का दौरा किया गया था और यहाँ पर केजरीवाल की रैली को लेकर जगह को देखा गया, पर अभी तक ये जगह भी चयनित नहीं की गई है। मल्टीटास्क वर्कर पद के लिए आवेदन करना आसान नहीं, बदल दिए नियम। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स में मल्टीटास्क वर्कर्स के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इसके लिए आवेदन करना आसान नहीं। नियम और शर्तें ऐसी हैं जिससे आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बीपीएल सूची में जिस आवेदक का नाम दर्ज है उसके लिए अलग से 3 नंबर मिलेंगे। सरकार ने बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंचायत सचिव और पंचायत प्रधान को अधिकृत किया और इनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र हर विभाग में मान्य होता है। जिसका अध्यक्ष हमारी पार्टी में आ गया, उनकी राह पर हम कैसे चलेंगे। हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल में जहां आईपीएच का डिवीजन खोला जाएगा, वहीं नादौन के गलोड में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा शनिवार को सीएम जयराम ठाकुर ने की। सीएम जयराम हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। 12वीं कक्षा के फिजिक्स विद्यार्थियों को ग्रेस के रूप में मिलेंगे 4.5 अंक। 12वीं कक्षा के फिजिक्स के विद्यार्थियों को 4.5 अंक ग्रेस के रूप में मिलेंगे। फिजिक्स प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों की खामियों पर बोर्ड ये अंक ग्रेस के रूप में देगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की खामियों के चलते ग्रेस अंक की मांग विद्यार्थियों व अभिभावकों के द्वारा की जा रही थी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्र हित को देखते हुए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर 4.5 अंक ग्रेस देने की बात कही। अब अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद बोर्ड आगामी प्रक्रिया अमल में लाएगा। उधर फिजिक्स प्रश्न पत्र में ये गलती करने वाले व्यक्ति को बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बोर्ड नियमों के मुताबिक उक्त व्यक्ति के खिलाफ आगामी कार्यवाही करेगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।